بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بالغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله जपमाला मैं तेरे नाम दी खड़ी साल दी हाँ मैं शाम दी खड़ी शाम दी हाँ मैं शाम लई और जो तूड़ उठ दी ये दूर तो मेरा शाम होवे खुदा करे बाला गल होला बेकमाल ही काशफत दुजा बेजमाल ही हसुनत जमीयो खिसाल ही सल्लू अलैही वाल ही जिसे चाह दर पे बुला लिया जिसे चाह अपना बना लिया ये बड़े कर्म के हैं फैसले ये बड़े नसीब की बात है। बाला गल उला बे कमाल ही काशफत दुजा बे जमाल ही हसनत जमीयो खिसाल ही सल्लू अलैहि वाल ही। कभी ला मका के मकी हुए सर अर्श तख्त नशी हुए ये नबी हैं जिनके हैं ये मकाम वो खुदा है जिसका मकान नहीं। बाला गल उला बे कमाल ही काशफत दुजा बे जमाल ही हसनत जमीयो खिसाल ही सल्लू अलैहि वाल ही। बात बिगड़ी उसी दर से बनी देखी है जोली मंगतों की उसी दर से भरी देखी है मेरी नजरों में नियाजी कोई जचता नहीं जब से सरकारे मदीना की गली देखी है। वाला गल उला बे कमाल ही काशफत दुजा बे जमाल ही हसनत जमीयो खिसाल ही सल्लू अलैहि वाल ही। दिरोज दर भूसता सरा हमा तूतिया ने खुश नवा कहती थी नाते मुस्तफा वाला गल उला बे कमाल ही कुमरिया भी अपने जौक में सर डाले हुए तौक में कहती थी अपने शौक में कशफत दुजा बे जमाल ही। बुलबुलें भी कू बकू ले लेके हर एक गुल की बू करती थी चर्चा सू बसू हसनत जमीयो खिसाल ही। चिड़ियों के सुन के चह चहे बलहा हम इंसान क्यों चुप रहे लाजिम है हम पे के यूं कहें सल्लू अलैहि वालही सल्लू अलैहि वालही। जिंदगी के हैं दो जहान एक ये जहान एक वो जहान जिंदगी के हैं दो जहान एक ये जहान एक वो जहान इन दोनों जहानों के दरमियान फासला है एक सांस का जो चल रहे हो तो ये जहान जो रुक जाए तो वो जहान। सांसों की समाला पे मोती पिरोलो दुरूद के फिर ये जहान हो या वो जहान हमारे साथ होंगे ताजदारे दो जहान। बाला गल उला बे कमाल ही काशफत दुजा बे जमाल ही हसनत जमीयो खिसाल ही सल्लू अलैहि वाल ही। किन्ने प्यार हुजूर दे नाल करना दो जग अंदर रब्बे जली वांगू जिन्हें जन्नत का नक्शा तैयार किया प्यारे महबूब दी गली वांगू हाजर नाजर ने हर था खुशबू वांगू सोने रेंदे ने तैबा विच कली वांगू सारी दुनिया नु वेखदे ने हुजूर साइम अपने हाथ मुबारक दी तली वांगू। बाला गल उला बे कमाल ही काशफत दुजा बे जमाल ही हसनत जमीयो खिसाल ही सल्लू अलैहि वालही। बड़ी आस उम्मीद दिल विच नबी पाक दा कदे दरबार वेखा उस पाक जमीन दे दरो दीवार वेखा नाला अखियां दे नाल दरो दीवार वेखा आजम जे होन चंगे नसीब मेरे अपनी अखां दे नाल सरकार वेखा ते कवां की के बाला गल उला बे कमाल ही काशफत दुजा बे जमाल ही हसनत जमीयो खिसाल ही सल्लू अलैहि वालही सल्लू अलैहि वालही। मेरे आका का हुसन सल्लू अलैहि वालही। हमारी नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
इस पाक महफल में खुश नसीब हजरात तशरीफ ला रहे हैं और तशरीफ लाएंगे, क्योंकि महबूब की महफल को महबूब ही सजाते हैं, महबूब की महफल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। अब आपसे गुजारिश है, जहाँ तक आवाज़ बाज़रिया माइक पहुँच रही है, तमाम दुनियावी कामकाज को छोड़ते हुए आइए आगोश रहमत में आ जाइए। फरजानगी को छोड़ कर तरके जुनू करें, फरजानगी को छोड़ कर तरके जुनू करें, आओ नबी पाक के जिक्र से हासिल सुकून करें। इल्तिमास से मोहब्बत ये है कि तमाम अहबाब पंडाल में भी तशरीफ लाएँ और आपके लिए कुर्सियां मुबारक भी सजाई हुई हैं, इन सजी सजाई कुर्सियों पे भी तशरीफ फरमा हो जाए। चंद एक लम्हात के बाद आज की महफिल का आगाज कुरान शरीफ की आयात बयानात से हुआ चाहता है इंशाअल्लाह अज़ीज़। वक्तन फवक्तन नात खाना ने शीर लिसान की एक लंबी कतार हमारे दरमियान हमारे सरों पे साया मोहब्बत किए हुए होगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद घड़ियों के बाद अल्लामा साहब भी तशरीफ लाएंगे और महफिल सिमा भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ खूबसूरत तरीन होगी। महफिल में बड़ा लुत्फ आएगा, मज़ा आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अहबाब से गुजारिश है वक्त का ख्याल रखते हुए बहुत जल्द पिंडाल में तशरीफ लाएँ इंशाअल्लाह अज़ीज़। चंद एक लम्हात के बाद किरबला कर साहब कुरानी आयात से आज की महफिल का बाज़ाबता आगाज़ फरमाएँगे। बस हमें इंतज़ार है तो उनका इंतज़ार है जिनका इंतज़ार सारी कायनात कर रही है, कायनात करती आई है और करती रहेगी, यानी कि जिनकी महफ़िल होती है वो महफ़िल में ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं। मेरी मुराद आकाए दानाए सुबुल मौलाए कुल आकाए कायनात ताजदारे मदीना फ़ख्रे कल्ब सीना हुजूर पर नूर शाफ़े यौम नशूर हादिय दो जहां इमाम मुरसला आने कायनात जाने कायनात वजह बायस तख्लीक कायनात अहमद मुस्तफ़ा हबीब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक महफिल है। तमाम दोस्त अहबाब अदबन मोहब्बतन अकीदतन आजजाना फ़कीराना हदिया पेश करते हुए तमाम अहबाब तशरीफ रखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आज की महफिल की आयात बयानात को तिलावत करने के लिए हमारे दरमियान एक खूबसूरत कारी कुरान खूबसूरत आवाज़ के साथ खूबसूरत गले के साथ खूबसूरत ख़ानदान के साथ जलवा फरमा है। चंद एक लम्हात के बाद मैं आपको कारी साहब की मुलाकात दीदार करवाना चाहता हूँ। दोस्त अहबाब से इल्तिमास से मोहब्बत है कि तशरीफ़ रखते जाइए और इस तरह तशरीफ रखिए कि दिल में हुजूर की महफिल सज जाए। दुरूद व सलाम पढ़िए सलातो अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। आइए कुरान शरीफ की तिलावत से आज की पाक महफिल का आगाज़ करते हैं। कुरान शरीफ की तिलावत की सआदत हासिल करने के लिए हमारे पास जो नाम है बहुत ही प्यारा नाम है कारी मोहम्मद गौस साले रिजवी साहब माशाल्लाह आप तशरीफ़ लाते हैं और कुरान शरीफ की आयात बयानात से हमारी समातों को महजूज कर